सब्सक्राइब करें सभी किचन को और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नूडल्स के नाश्ते। तो मैं यहाँ पे लूंगी पतंजलि का जो आता है नूडल्स वो वाला एक पैकेट, इसको मैं निकाल लूंगी। इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह क्रश कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज, एक मीडियम साइज का प्याज ली हूं मैं, और कटी हुई टमाटर, हरा धनिया और गाजर। अब इसको मैं एक साइड रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे लूंगी गेहूं का आटा 3 चम्मच। आप चाहे तो मैदा या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक घोल तैयार करूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे घोल रेडी करके रख लिया है। अब मैं लूंगी इस मैगी वाले नाश्ते को और इसमें इस घोल को डाल लूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी इस मैगी वाला जो मसाला आता है उसको। उसके बाद डालूंगी इसमें नमक। नमक हमें ध्यान दे के डालना है क्योंकि मैगी मसाले में ऑलरेडी नमक रहता है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में डालूंगी मैं। उसके बाद डालूंगी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इन सबको मैं मिला लूंगी। तो देखिए मैं इन सबको अच्छे से मिला ली हूं। अब मैं यहाँ पे लूंगी एक नॉन स्टिक तवा जिसमें मैं तेल लगा लूंगी। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच तेल। अब इस तेल को मैं अच्छे से सब तरफ फैला लूंगी। उसके बाद डालूंगी मैं इस नाश्ते को। अब इसको अच्छे से मैं सब तरफ फैला लूंगी और अच्छे से राउंड शेप दे दूंगी। तो देखिए इन सबको मैं अच्छे से रख ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगी गैस का फ्लेम ऑन। हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है। अब इस तवे को मैं इसमें रख लूंगी और इसको ढक के लगभग 3 से 4 मिनट पकाऊंगी। क्योंकि 5 मिनट होने के बाद हम आपको दिखाते हैं, ये एक तरफ से अच्छे से पक चुका है। अब इसको मैं इस वाले प्लेट में लेके इसको पलट लूंगी। देखिए मैंने इसको पलट दिया है। अब इस साइड भी मैं इसको पका लूंगी दोनों तरफ अच्छे से। इस तरह से देखिए मैं इसको पलट के दूसरे साइड भी इसी तवे में पकाने के लिए रख दी हूँ। तो इधर भी मीडियम लो फ्लेम में मैं लगभग 5 मिनट और पकाने के लिए छोड़ देती हूँ। 5 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। दोनों तरफ अच्छे से सीख गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो देखिए मैं इसको प्लेट में निकाल ली हूँ। अब इसको मैं बीच से कट कर लूंगी इस तरह से। तो देखिए इन सभी को मैंने अच्छे से कट कर लिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़िया बनकर रेडी है हमारा मैगी वाला नाश्ता। तो आप भी बनाइए और बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।